वेलकम टू के सी एन जी में आप लोग का स्वागत है। भाई लोगों नमस्कार, मेरा नाम हीरा खान। हम लगा रहे हैं गाड़ी में फिनलैंड की ट्वीट के अंदर 3 GB। जैसे कि हमने आपको हर वीडियो में आपको बताया माध्यम से गाड़ी में किट लगती है, कैसी चलती है, कैसा परफॉर्मेंस है, कैसी माइलेज आती है। इसमें क्विट के अंदर एक चीज़ की कमी है, जो माइलेज सेंसर होती है तो पेट्रोल की सुई होती है नीचे डाउन आती है। आप लोग सोचते सी जी लगाने के बाद ही क्विट डाउन आती है, तो उसका मकसद ये है जो आगे जो टायरों के पानी माइलेज सेंसर लगा होता है टायरों के बीचों में माइलेज सेंसर जितनी गाड़ी रनिंग करेगी जैसे किलोमीटर में शो करता है तो वैसे माइलेज सेंसर डाउन आता है, मगर आपका पेट्रोल एक बूंद भी यूज़ नहीं होता। पहला काम। दूसरा काम, इसके अंदर पिकअप के अंदर गाड़ी 3 सिलेंडर की गाड़ी है, पिकअप का मतलब 19-20 का पिकअप रहता है। इसके अंदर सी के भी लगता है, मगर वो लगता है 2 पिन का एडवांस है, पहली बात। नेक्स्ट क्या है, उसके अंदर गाड़ी के अंदर डिग्री स्पेस बहुत कम है, उसके अंदर 12 किलो का लंबा सिलेंडर लग नहीं सकता, तो इसलिए उसमें मोटा सिलेंडर 12 किलो का या 14 किलो का फिक्स आता उसके अंदर, ठीक है। अब हम उसमें लगा रहे हैं ई ग्रीन किट, कोई दिक्कत नहीं, MP48 किट है। अब उसके माध्यम से मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ, देखिए। या मैं डब्बा ओपन करके इंजन किट है, ये रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर है, और 3 सिलेंडर की गाड़ी में, कुछ सिलेंडर की गाड़ी में MP48 का ऐसे लगता है, कुछ गाड़ी में H32 लगता है। ये इसका SS3 है, ये इसकी कंप्लायंस प्लेट है, ये रेल इंजेक्टर है, ये कुछ निप्पल है, ये पत्ती है, ये ECM बॉक्स है, MP48, ये इसके अंदर वायरिंग है पूरी कंप्लीट के साथ, ये वायरिंग पूरी, ये पास में ये सेंसर है, ये आपका बैटरी का, ये कपलर से, ये मैप सेंसर है, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता चाहते हैं, ये मीटर से, ये मीटर की वायर से, मेरा वीडियो डालने का मतलब ये है हर कस्टमर पता चलने कौन सा चीज़ कैसा है, कौन सा चीज़ सही है, कौन गलत चीज़ हो सकता है। ब्रांड सारे एमन क्वालिटी के, और नेक्स्ट ईयर से हम कुछ और 2 ब्रांड अपने दुकान के अंदर ऐड करने वाले हैं। ये फिलिंग बाल है, ये हाई प्रेशर है, तो 100 bar के अंदर 5 सेट होता है। इस पाइप पे अलग पाइप आया नीचे, मगर इस पाइप ने हाई रेस से इंपोर्ट किए हैं, और बाकायदा देख सकते हो अप्रूवल के हिसाब से पाइपिंग होते हैं। ये हमारा वीडियो थे, एक नया मोटिवेशन है जो हम आपको हर चीज़ बताते हैं तो वीडियो के माध्यम से। और ये आपका एसेसरी है, ये 3 पाइप होते हैं जैसे कि हमने आपको वीडियो माध्यम से पहले बताया है। ये कूलेंट का पाइप है, ये वैक्यूम का पाइप है, और ये गैस प्रेशर की पाइप है। बाकी आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अब हम चलते हैं गाड़ी की, थैंक यू। ये है गाड़ी क्विट, अभी हमने इसके अंदर कुछ भी लगाया, अभी ये देखो बेस ट्यूब लगा हुआ है, और अभी हमने इसके अंदर कुछ भी लगाया, हम इसके अंदर सीएनजी इंस्टॉल करेंगे। प्रॉपर हिसाब से काम हो रखा है, प्लस गाड़ी ये चली कितनी है,
गाड़ी आपकी चली है मात्र 6,857 और ये इंजन अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं है। इंजन के अंदर पूरे गाड़ी एकदम सही सेट है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम इसके अंदर सीएनजी इंस्टॉल करेंगे और हमारी दुकान ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे। ये देखो इस तरफ लिखा बोर्ड KCNG और आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं एक एक खंभे बोर्ड रहता है और दूसरा बोर्ड मेरा लगा हुआ है KCNG के नाम से ऑफिस बैक साइड। और एक खोखा है, खोखे के बगल में हमारी एक दुकान है उससे ऊपर चढ़ते ही सामने सीढ़ी है। थैंक यू, बाकी बताओ। फाइनली गाड़ी के अंदर किट लगा दिए हैं, प्रॉपर हिसाब से काम हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये रेल इंजेक्टर हमने आपको वीडियो के माध्यम से बताया भी था। और 3 सिलेंडर की गाड़ी है, वाइब्रेशन इतनी गाड़ी में रहती रहती है। और ये मैप सेंसर लगा हुआ है इसमें नीचे, मेरा मैप सेंसर और ये फीलिंग बाल है, प्लस नीचे रेड्यूसर है और इसे मैंने तो अंदर करके लगाया, पता चला आपको एसी टिकल लगा हुआ है। प्रॉपर हिसाब से काम हो चुका है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं गाड़ी के अंदर। अब हम उसके डिग्गी का स्पेस देखेंगे और प्लस हम आपको स्विच दिखा देते हैं। ये देखो गैस पे है। और मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो पेट्रोल की लाइन है, ये जो पेट्रोल की लाइन है, आप टंकी फुल करा लो, जैसे आप गाड़ी आपकी गैस पे चलती रहे तो इसमें पेट्रोल की बत्ती कम होती रहती है। मगर इसमें बत्ती कम होने का मकसद क्या है मैं आपको बता दूँ, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताया है। आगे टायरों का आगे माइलेज सेंसर लगा होता है, कोई गैस का सेंसर लगता है ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको गैस पे भी वो नीचे दिखाया फिर पेट्रोल चाहिए तो वैसे हो जाएगा। तो इसके लिए हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे क्या सोल्यूशन निकल सकता है उसका, वो हमें वो लिख देंगे। अब हम आपको डिग्गी स्पेस बूट दिखाते हैं। ये लगा सिलेंडर और स्टेपनी खड़ी हो गई, प्रॉपर हिसाब से काम हो चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी हमारा ऊपर ऑफिस है KCNG के नाम से, दोनों तरफ बोर्ड है और ये काम हो रही गाड़ी में। होंडा एकॉर्ड आई है जो सोनी पस से आई है और ये हमारे 8 साल पुराने कस्टमर है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।